I am Manish, and today the chapter is control systems, and we will discuss types of control systems. मैं चार्टर्ड इंजीनियर हूँ. आई हैव डन एम टेक इन डिजिटल कम्युनिकेशन. और जो जो चीज़ें मुझे पता है कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, दीज आर द बेसिक्स, और ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है. अगर ये नहीं आएगा तो फिर आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आपको मुश्किल होने वाला है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रोल सिस्टम किसके लिए यूजफुल है? ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, है ना. अगर कोई मैकेनिकल में है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, डिजिटल कम्युनिकेशन है, एमटेक है, बीटेक है, आईआईटी है, कुछ भी है, सभी के लिए ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो स्लाइड में जाएंगे वो है व्हाट इज अ कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, व्हाट इज अ कंट्रोल सिस्टम? कंट्रोल सिस्टम हम किसे कह सकते हैं? तो ऐसा कोई सिस्टम जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, है ना. सिस्टम, वन सेकेंड, सिस्टम दैट कैन बी कंट्रोल्ड. ऐसा कोई सिस्टम जिसको हम कंट्रोल कर सकें. जैसे हमारे घर में जैसे हमारा फैन चलता है, कब चलता है? व्हेन वी वांट, और हमेशा चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं है ना. व्हेन वी वांट तभी चलता है. तो मींस हम जो फैन चला रहे हैं दैट इज कंट्रोलेबल, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं. कैसे होता है? सपोज प्लस माइनस, यहाँ पे हमने वोल्टेज दे दिया, यहाँ पर एक स्विच हो गया, और यहाँ पर एक हमारा, सपोज दिस इज द फैन. ठीक है, तो ये जो है स्विच, है ना, क्या बोलते हैं इसे हम, स्विच है ना, आप रेगुलेटर भी होता है, स्विच भी होता है. तो दिस स्विच इज कंट्रोलिंग द एक्शन ऑफ दिस फैन, दिस रेजिस्टेंस, सपोज दिस इज फैन. जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये यहाँ पर आकर कनेक्ट हो जाएगा, है ना, तो फैन चलने लगेगा. और अगर हम इस स्विच को ओपन कर देंगे, मीन्स ऑफ कर देंगे, तो ये फैन नहीं चलेगा, यानी कि इस फैन को हम कंट्रोल कर रहे हैं. सो दिस इज अ सिस्टम विच इज कंट्रोलेबल. तो आज हम कंट्रोल सिस्टम्स का टाइप्स देखेंगे. ठीक है, किसके टाइप्स क्या क्या होते हैं. ओके, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स. ऑफ कंट्रोल सिस्टम, है ना, कंट्रोल सिस्टम बहुत टाइप के होते हैं. वी हैव टू डिस्टिंग्विश अमंग देम किस टाइप का कंट्रोल सिस्टम है ना. ये हमारे बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट. कंट्रोल सिस्टम्स नेचुरल मतलब प्राकृतिक. नेचुरल कंट्रोल सिस्टम्स का क्या एग्जांपल हो सकता है? जैसे आप लोगों ने पहले भी स्कूल में पढ़ा होगा वाटर साइकिल, है ना, वाटर साइकिल. जैसे पानी भाप बन के ऊपर चला जाता है ना, उसके बाद फिर बारिश होती है, फिर से, तो ये साइकिल चलता रहता है. नाइट्रोजन साइकिल भी आपने पढ़ा होगा, है ना, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, सारे साइकिल, ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है? ये तो नेचुरली हो रहा है, हम तो कुछ कर नहीं रहे इसके लिए, है ना. हमारा अपना लाइफ स्टाइल जो चल रहा है वैसे चला रहे हैं हम लोग. लेकिन जो भी पानी है, बरसात है, विंटर है ना, सारे जो सीजन आते हैं, समर है, अपने आप रिपीट हो रहे हैं. सो दे आर कॉल्ड एज नेचुरल कंट्रोल सिस्टम बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड नेचुरली. हम उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, है ना. तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल. तो हम जहां कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, है ना, वो भी आप समझ सकते हो. मेड कंट्रोल सिस्टम, तो मैन मेड कंट्रोल सिस्टम किसे बोलते हैं? अब मैंने एग्जाम्पल दिया था ना फैन वाला, वैसा ही बस वो एग्जाम्पल तुम दे सकते हो, दैट इज जस्ट मैन मेड. जैसे ये एक स्विच है हमारा, है ना, और ये एक रेजिस्टेंस है, ये फैन भी हो सकता है, बल्ब भी हो सकता है. बल्ब को भी अगर आप फैन के रेगुलेटर से कनेक्ट कर दो ना, तो बल्ब का भी जो इंटेंसिटी है वो चेंज होगा. जैसे बल्ब नॉर्मली लोग एक ही इंटेंसिटी में रखते हैं, पर आप चाहो तो उसकी इंटेंसिटी भी चेंज कर सकते हो. अगर स्विच बोर्ड खोलोगे उसमें जो फैन का रेगुलेटर है उसको कनेक्ट कर दो बल्ब वाले से, तो आप देखोगे कि बल्ब का भी इंटेंसिटी चेंज हो रहा है ना. तो ये सारे कंट्रोलेबल हैं, दे आर मैन मेड कंट्रोल सिस्टम, है ना. वैसा कंट्रोल सिस्टम जो हमने बनाया है ना, हमने उसको इस तरह से बनाया है कि वो हमारे लिए यूजफुल रहे, है ना. तो दे आर कॉल्ड मैन मेड कंट्रोल सिस्टम. नाउ कम्स कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम. कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम मीन्स नेचुरल, ओके, प्लस मैन मेड, इसमें दोनों आता है. मैन मेड, फॉर एग्जाम्पल सोचो जिसमें नेचुरल एंड मैनमेड दोनों है ना. जैसे हम लिख सकते हैं अ पर्सन
ड्राइविंग का, अगर कोई आदमी कार चला रहा है ना, और मान लो कि जैसे वो एक्सीलेटर दबा रहा है, ब्रेक चला रहा है, ये सब कौन कर रहा है? पहले तो उसका माइंड उसको बता रहा है कि ऐसा करो, है ना, दैट इज इन नेचुरल पार्ट। और मैन मेड क्या हो गया, जो ब्रेक्स हैं, एक्सीलेटर जो है, ये सब किसने बनाया? तो ये सब मैन ने बनाया है ना, पर्सन ने बनाया है, तो इसे हम कहेंगे मैन मेड। तो मैन मेड भी है और नेचुरल भी है। तो ऐसे सर्किट्स या ऐसे कंट्रोल सिस्टम को हम कॉम्बिनेशनल कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब आता है टाइम इनवेरिएंट कंट्रोल सिस्टम, सिस्टम्स और सिस्टम्स दैट आर नॉट अफेक्टेड विथ टाइम। टाइम चेंज होता जाएगा, ज्यादा होते जाएगा, लेकिन सिस्टम में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अगर आप कोई कंपोनेंट ले लो किसी भी सर्किट का, जैसे इंडक्टर, रेजिस्टर, है ना, कैपेसिटर, तो इन सबके जो वैल्यूज हैं, है ना, चाहे कितना भी टाइम बढ़ जाए, ये जो सर्किट्स में लगे हुए हैं, इनके वैल्यूज तो चेंज होंगे नहीं, है ना। इंडक्टर का कुछ एक दिया होगा उसमें लिमिट, और रेजिस्टर का भी दिया होगा, कैपेसिटर का दिया होगा, तो वो जो उसका वैल्यूज है, दैट विल नॉट बी चेंजिंग। सो दे आर वेरी गुड एग्जाम्पल्स ऑफ टाइम इनवेरियंट कंट्रोल, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट चेंजिंग विथ टाइम। तो इन हम कहते हैं टाइम इनवेरियंट। ओके, तो टाइम इनवेरियंट है तो फिर टाइम वेरियंट भी होगा, है ना। तो उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। RT आपने पढ़ा होगा, हीट का इक्वेशन, है ना, I2 RT वेयर I इज द करेंट, R इज द रेजिस्टेंस एंड T इज द टाइम। तो जैसे जैसे ये टाइम चेंज होता जाएगा, तो हमारा हीट भी चेंज होता जाएगा, है ना। मींस टाइम वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम वो होते हैं जो टाइम के साथ वेरी करते हैं, है ना। जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पर दे दिया, आप और ले सकते हो क्यू इक्वल टू IT, जहां भी T आ गया, है ना, तो इसका मतलब क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज, I करेंट, T टाइम, है ना। तो चार्ज बढ़ता जाएगा जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, तो टाइम वेरिएंट है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, हमारा फंक्शन भी चेंज हो रहा है। मींस जैसे एक टी है, तो हमारा फंक्शन मान लो FT है, विच इज डिपेंडेंट ऑन टी, है ना। सो इट इज टाइम वेरिएंट कंट्रोल सिस्टम। ओके, चलो इसके आगे देखते हैं क्या है। लीनियर कंट्रोल सिस्टम, अब ये लीनियर कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? लीनियर, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है, इसमें एक स्ट्रेट लाइन अगर बन रहा है ना, किसके बीच में, एक यहाँ टी है और एक ले लो XT, विच इज डिपेंडेंट ऑन टी, है ना। टी मान लो चेंज होता जा रहा है, जैसे तो बढ़ रहा है ये इस एरो में, तो ये भी हमारा उसी रेशियो में बढ़ रहा है ना। सो दीज आर कॉल्ड एज लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स, क्योंकि इसका जो ग्राफ है ये बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है ना, ये जो ग्राफ बन रहा है बिल्कुल स्ट्रेट है ना। सो इट इज कॉल्ड एज लीनियर कंट्रोल सिस्टम। जैसे, तो जैसे V इक्वल टू RI होता है ना, वोल्टेज इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू करेंट, या फिर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट, हमें पता है। अगर हम कहीं पर एक ग्राफ में V ले लें और एक यहाँ पर I ले लें, है ना, तो ये हमारा जो ग्राफ बनेगा बिल्कुल ऐसे बनेगा, है ना। तो ये सब क्या है, लीनियर कंट्रोल सिस्टम है, तो इनका ग्राफ जो है बिल्कुल स्ट्रेट बन रहा है, ठीक है। लीनियर हो गया तो नॉन लीनियर भी होगा, है ना। नॉन लीनियर कैसा होता है, 1 सेकेंड, इसका आउटपुट कैसा भी हो सकता है ना, मीन्स इट इज नॉन लीनियर, है ना। और इसका कोई एग्जाम्पल लेना है तो थोड़ा सुंदर लगे, तो हम ऐसे ग्राफ ले सकते हैं और यहाँ से ऐसे बढ़ा सकते हैं। ये किसका है, डायोड, जैसे ही बैरियर पोटेंशियल ब्रेक हो जाएगा VI, है ना, तो करंट इसका अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। जैसे डायोड में होता है बैरियर पोटेंशियल PN, है ना, डायोड में, जैसे इसका बैरियर पोटेंशियल ब्रेक हो गया तो ये बहुत अचानक से बढ़ गया, है ना, करंट। तो ये हो गया नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं बन रहा है, दैट इज नॉट स्ट्रेट, है ना। ये हो गया नॉन लीनियर कंट्रोल सिस्टम। ठीक, अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करना, मैं उसको फिर से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं इसीलिए एग्जाम्पल से बिल्कुल इजिली बता रहा हूँ ताकि आप लोग बिल्कुल आराम से समझ लो। मैं भी इन सब चीजों से समझ गया था, तो आप भी समझ ही जाओगे, है ना। ओके, ये हो गया, इसको भी क्लियर करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखते हैं और क्या है, बड़े जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेम शेप रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये टी है, टाइम, जो कि आगे बढ़ता जा रहा है, और ये XT है, फंक्शन ऑफ टी। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं सिग्नल भी चलता रहा है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं,
नो ब्रेक इन बिटवीन, है ना, नो ब्रेक इन बिटवीन, ठीक है। हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं ना, ये वाला जो ग्राफ जा रहा है ऐसे, है ना, ये ग्राफ जो जा रहा है तो बिल्कुल कंटिन्यूअस है ना। कंटिन्यूअस यानी क्या, कंटिन्यूअस मतलब बिल्कुल चलता रहा, कहीं बीच में रुका नहीं है, ठीक है। ये हो गया कंटिन्यूअस टाइम कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अब हो गया क्या, इसके बाद कंटिन्यूअस है तो एक हमारा डिसकंटिन्यूअस भी होना चाहिए, देखते हैं। ऐसे 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 ऐसे, है ना। तो इस टाइप के जो हमारे ग्राफ हैं दे आर डिस्क्रीट, मतलब इस टाइम पर, अगर मैं इस टाइम पर पूछूं इस टाइम पर कैसा ग्राफ है तो हमें नहीं पता, है ना। डिस्क्रीट यानी समझ लो कि आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम, है ना, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम हम ले रहे हैं कि उसका ग्राफ क्या बन रहा है इस टाइम पर, इस टाइम पर हर जगह इसका ग्राफ बना हुआ नहीं है। सो दे आर कॉल्ड एज डिस्क्रीट टाइम कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। डिस्क्रीट एट स्पेसिफिक टाइम्स ओनली, इसको टी ले लेते हैं, इसको अगर हम एक्स टी ले लेंगे, ठीक है। सपोज दिस इज ऑल अ ग्राफ, दिस इज टी एंड दिस इज एक्स टी, ठीक है। तो इसमें जो भी मैं ग्राफ दिख रहा है ये कंटिन्यूअस नहीं है, हमें इस टाइम पर तो पता है ग्राफ कैसा बिहेव करेगा, इस टाइम पर पता है, इस टाइम पे पता है। मान लो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, बट अगर कोई पूछ ले 1.5 पे, है ना, सपोज इट इज इन सेकेंड्स, टी इज इन सेकेंड्स, तो 1.5 सेकेंड पे क्या है ग्राफ तो नहीं पता, है ना, तो हमें तुक्का मारना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया डिस्क्रीट टाइम कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, ये भी आप समझ गया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, डिटरमिनेबल मीन्स इसमें हमें, हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि आउटपुट क्या होगा, ठीक है। मान लो कि एक ग्राफ है जिसका इनपुट ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे, एंड ये है हमारा इनपुट, ठीक है, और इधर हम बनाते हैं आउटपुट। अब ये आउटपुट कैसा होगा, तो वी आर अवेयर कि इसका आउटपुट ऐसा होगा, मतलब हम लोग गेस कर सकते हैं, ठीक है, हमें पता है कि आउटपुट क्या होगा। जैसे आपने बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट किया और उसमें बोल दिया कि आप 5 साल के लिए करो, उसके बाद आपको इसका डबल मिलेगा, तो यू आर ऑलरेडी अवेयर कि आपको 5 साल बाद क्या मिलेगा, मीन्स आउटपुट इज ऑलरेडी नोन और इट कैन बी डिटरमाइंड बाय यू कि आउटपुट में ना क्या मिलना चाहिए, है ना। तो दिस आर कॉल्ड एज डिटरमिनिस्टिक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट में जाते हैं, इसको क्लियर कर देता हूँ। डिटर्मिनिस्टिक का ये सिंपल है, उल्टा है बस, और कुछ नहीं, है ना। तो मैं इसको लिख देता हूं एक तरह से, तो और इजी हो जाएगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, है ना। इसका जो इनपुट है मान लो ऐसे जा रहा है ना, एंड आउटपुट तो ये कैसा भी बिहेव कर सकता है, वी डोंट नो, है ना, ये है इनपुट, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्टोकेस्टिक या फिर नॉन डिटर्मिनिस्टिक, या कोई अनडिटर्मिनिस्टिक भी बोल सकता है, या द सिस्टम विच इज नॉट डिटरमाइनेबल इज कॉल्ड, है ना, नॉन डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक। तो इसका और एग्जांपल, जैसे मैंने बैंक वाले जैसा फिक्स डिपॉजिट, इसमें जैसा डिटर्मिनिस्टिक में, तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या होता है, जैसे शेयर्स, आपने शेयर्स में पैसा लगाया है ना, सो लिखा था ना सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, मीन्स यू ऑल्सो डोंट नो कि आपका भविष्य क्या होने वाला है ना। बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है, और मीडियम भी हो सकता है। बहुत लोग एक्सपीरियंस हैं वो भी इसमें मार खा जाते हैं बहुत बार, और ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत अच्छा काम करके दिखाते हैं इसमें, है ना। तो स्टोकेस्टिक कंट्रोल सिस्टम भी आप समझ गए हो। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सिंपल जो मैंने बताया था आपको, जैसे फैन वाला है ना, तो वो सब ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में ही आते हैं। प्लस माइनस या प्लस माइनस इस बार नहीं बनाते हैं, इस बार नॉर्मल बनाते हैं, है ना। यहाँ से एक सिग्नल गया, है ना, या वोल्टेज जो भी जा रहा है, कि मान लो यहाँ पे इनपुट है, ठीक है, इसके बाद ये क्या है, ये है प्रोसेस, ठीक है, एंड देन वी आर जस्ट गेटिंग द आउटपुट। इसी प्रोसेस के अंदर फैन भी आता है, स्विच भी आता है, रेगुलेटर भी आता है, सब आता है ना, फैन स्विच एंड रेगुलेटर। तो ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम समझ में आ गया होगा, है ना। इट इज नॉट हैविंग एनी फीडबैक, नो फीडबैक, फीडबैक अगले वाले टॉपिक में बताऊंगा इसका मीनिंग। नो फीडबैक मतलब इसमें फ्रॉम, नो फीडबैक फ्रॉम आउटपुट टू इनपुट, आउटपुट से इनपुट में कोई फीडबैक नहीं आ रहा है ना, मतलब यहाँ से इधर कुछ भी नहीं आ रहा है ना। ये आपको अगले टॉपिक में अच्छे समझ में आएगा, मैंने बस हिंट दे दिया इधर पे, ठीक है, इसको भी क्लियर करते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है वो
क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? जो क्लोज्ड, जैसे हमने पहले ओपन लूप पढ़ा है ना, क्लोज लूप कैसा होता है? तो जैसे हमने पहले इनपुट दिया था ओपन लूप में, वो इधर भी देंगे है ना। उसके बाद एक प्रोसेस था, प्रोसेस लिखो या सिस्टम लिखो, सब चलेगा सिस्टम, ठीक है। और यहाँ से आ गया आउटपुट, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो आउटपुट है उसी का एक सैंपल लेके हम लोग यहाँ पर देते हैं। और यहाँ पर एक मिक्सचर होता है, क्या बोलो, जो कंपेयर करता है या कंपरेटर होता है ना। और यहाँ से क्या गया, यहाँ से गया फीडबैक, ठीक है। फीडबैक ना, मान लो ये क्या है, सेंसर है ना। अच्छे समझ आया तो मैं ले लूंगा एक एग्जाम्पल, जैसे कि गीजर का, जो हम लोग पानी गर्म करते हैं है ना। तो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिसके बाद जाके वो कट ऑफ हो जाता है। तो कैसे होता है, हम कंट्रोल कर रहे हैं ना उसे, तो वही आउटपुट का फीडबैक लेके बार बार चेक करता है कि क्या इतना टेम्परेचर पहुंच गया है ना। ऐसे बहुत सारे गीजर जिसमें सेंसर्स होते हैं, तो वो जैसे ही चेक करेंगे कि हाँ ये टेम्परेचर पहुंच गया, तो वो फीडबैक देंगे इनपुट के पास है ना। इनपुट कंपेयर करेगा, जैसे देखेगा कि हाँ वो टेम्परेचर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर जो आगे, मान लो यहाँ पर एक मैं स्विच बना देता हूँ, एक जैसे यहाँ पर एक मान लो कि स्विच है, ठीक है। ऐसे आया और ऐसे और फिर यहाँ पर, तो ये ऐसे ही इसको कट कर देगा, मतलब जो लूप है वो हमारा कट जाएगा बीच से, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो अब हमारा गीजर जो है वहीं पर रुका रहेगा, फिर कुछ टाइम का तो टेम्परेचर अगर डाउन हो गया तो फिर से ये कनेक्ट कर देगा। तो इस ढंग से हमारा फीडबैक काम करता है। तो फीडबैक काम करता है किसमें, क्लोज लूप में है ना। तो हमने ओपन लूप भी पढ़ लिया, क्लोज लूप भी पढ़ लिया, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ हमने कंट्रोल सिस्टम आज पढ़ लिए, और ये सब बेसिक्स हैं। ये समझ में आ जाएगा तो आगे अच्छे से कर पाओगे है ना, क्योंकि समझ जाओगे तो हमेशा याद रहेगा, और रट लोगे तो जिंदगी में कभी याद नहीं होगा है ना, क्योंकि बुक्स मोटे होते जाएंगे यार। चलो, तो बाकी तैयारी करते रहो, और कुछ भी आपको इंजीनियरिंग फील्ड से कुछ डाउट्स होते हैं या कुछ टॉपिक आप चाहते हो कि मैं शेयर करूँ है ना, तो मुझे कमेंट किया करो। जैसे ये मुझे किसी ने कमेंट किया था, किसी ने मैसेज भी किया था, तो इस टाइप के टॉपिक जिसको भी चाहिए हो मुझे बताते हो। और ये बेसिक्स है, इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहेंगे। जब तक आपको कमेंट नहीं आते हैं, कोई कमेंट आएगा स्पेसिफिक टॉपिक पे क्लास लेने के लिए, तो मैं उस पर ले लूंगा। चलो, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।